अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अभी फिर से नए रेसिपी के साथ। तो ये पत्ता गोभी है, मैंने 1 केजी पत्ता गोभी लिया और इसे पत्ते पत्ते काट दिया हूँ। तो आज मैं पत्ते गोभी का सलाद बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने सलाद के लिए मैंने इस तरह से काट दिया, और ये कैप्सिकम है, और कैप्सिकम मैंने 5 कैप्सिकम लिया था, और ये और हमारा ये खीरा है, ये भी मैंने 7 खीरे लिए हैं, लगभग आधा केजी का था, और ये हमारा आधा केजी गाजर है जो कि मैंने इस तरह से काट लिया, खीरे को इस तरह से काट लिया, और हमारा ये लहसुन 6 लहसुन कली लिया था जो कि इस तरह से काट लिया। तो अब हम इसे पहले तो हम इसे किसी तेल में इसे फ्राई करेंगे लहसुन को, फिर उसके बाद हम गाजर, कैप्सिकम और ये खीरे को डालेंगे, पर कैबेज को हम नहीं डालेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं रहेगा। तो हम सलाद के लिए काली मिर्च लिया हूँ, और ओक्सुस सिरका, और हमारे पास सोया सॉस है, और नमक डालेंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं, लहसुन को, गाजर को, खीरे को और कैप्सिकम को, शिमला मिर्च को। तो दोस्तों, हमने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में तेल हल्का सा डाल दिया है। तो अब हम फ्राई करेंगे लहसुन अपना। तो मैंने इसमें लहसुन डाल दिया हूँ, तो अब हल्की सी ब्राउन होने देता हूँ, 2 मिनट पीछे मैं फ्राई करूँगा। फिर उसके बाद हम तो लहसुन के बाद हम गाजर को डालेंगे इसमें, तो इसे हम 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो ये हमारा गाजर, अब गाजर को हम इसमें डालते हैं। तो मैंने इसमें गाजर डाल दिया हूँ दोस्तों, और ये छोटी सी स्पून से नमक हल्दी दी, ताकि हमारा गाजर में भी नमक रहे, और इसमें हल्दी सी काली मिर्च 1 टेबल स्पून। तो दोस्तों, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल लेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर 1 टेबल स्पून मैंने डाला। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों, हमारा रेडी हो गया है। अब हम डालेंगे कैप्सिकम, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें गाजर को भी खीरे को डाल दिए, अब 2 मिनट तक हम पकाएंगे इसे। तो दोस्तों, इसमें हमने सारा चीज़ मिक्स करके 2 मिनट और पका लेंगे। इसमें हमारा शिमला मिर्च आ गया, गाजर आ गया, खीरा आ गया, और लहसुन को भी डाल दिए थे, नमक डाल दें, हल्की सी काली मिर्च डाल दिए, आप चाहें तो चाइनीज़ या जैपनीज मसाला भी आती है सलाद की, या इंडियन भी आती है, उसे भी डाल सकते हैं। अगर मिर्च तीखा खाना पसंद करेंगे तो आप इसमें काली मिर्च डाल दें, काली मिर्च ज़्यादा डाल दें, या फिर लाल मिर्च डाल दें इसमें। तो 2 मिनट हो गए दोस्तों, हमारा इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे वहाँ अपने तो अब हम इसे पत्ता गोभी के साथ मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया है, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया हूँ, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, और हम ओक्सुस डालेंगे जो कि सिरका होता है, और धनिया पत्ती डाल देंगे, और हम इसे मिक्स करके फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पत्ता गोभी है ये कुछ ज़्यादा है ना, तो ये अभी कुछ देर तक हम रख देंगे फ्रीज में, तो ये आराम से छोटा भी हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पानी छोड़ेगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये हम अभी 2-3 घंटे छोड़ देंगे फ्रीज में रख के। तो नमक डाल लिए दोस्तों, अब ये सिरका हम डाल रहे हैं स्वाद 1 चम्मच, ये हमारा बड़ा चम्मच है, अगर छोटा 1 टेबल स्पून है तो आप 2 चम्मच डालें, और मैं इसे 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ ताकि इक्वल हो जाए 2 चम्मच के अंदर।
अब हम इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये देखिए इस तरह से हमने सलाद को बनाकर इस पॉट में रख लिया हूँ। इस तरह के बर्तन में मेरे पास इस तरह के दो बर्तन हैं, दोनों में मैंने रख लिया हूँ। अब इसे मैं 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दूँगा, फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सलाद हर एक चीज़ में काम आता है, डाइटिंग करें तब भी काम आएगा और कभी भी खा सकते हैं इसे। तो आप भी इसे बनाइए दोस्तों, ये बहुत टेस्टी लगता है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगी और टेस्ट अपना इसका अलग ही है, मज़ा है। तो दोस्तों इसे घर पे बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कैसा लगा, कैसा बना, और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।